जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू बांके बिहारी ड्रेसेस। मेरा नाम महक है और आज हम सीखेंगे ठाकुर जी की प्यारी सी ड्रेस। इसे मैंने पीच, ऑरेंज और ग्रीन कलर में बनाया है। आप इसे किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। ये मैंने 5 नंबर ठाकुर जी के लिए बनाई है और इसके लिए मैंने ये देखिए 11 नंबर का क्रोशिया लिया है। आप इसे चाहें तो MM में 2.3 mm का क्रोशिया बोल सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रेस स्टार्ट करने से पहले प्लीज फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी ठाकुर जी की ऐसी प्यारी सी ड्रेस बना सके। और आई होप कि आपको ये ड्रेस पसंद आएगी। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने 5 नंबर के ठाकुर जी की चोली बनाई है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, मैंने ये आपको बनानी बताई हुई है पहले। तो ये देखिए, फर्स्ट राउंड हम इस तरीके से बनाएंगे। 3 चेन लेंगे, 3 चेन लूप लिया, इसी सेम लूप के अंदर एक बार डबल क्रोशिया, फिर लूप लिया, नेक्स्ट में गए, इसमें भी 2 बार डबल क्रोशिया। एवरी लूप में हमने 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए ये राउंड को कंप्लीट करना है। तो मैं ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है और अब मैं इसे 3rd चेन के साथ ज्वाइंट करूंगी। देन अब हम 2nd राउंड बनाएंगे। इस पे 1, 2 और 3, 3 चेन ले ली, लूप लिया और ये देखिए नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे। उससे नेक्स्ट में यानी कि 3rd लूप के अंदर हम 2 बार बनाएंगे। एवरी 3rd में हमने 2 बार बनाना है और 2 बार बनाते हुए ये राउंड हमने कंप्लीट करना है, यानी कि एवरी 3rd में 2 बार। जैसे कि मैंने बनाया, देखिए पहले में 2, उसके बाद 3rd में 2 बार, फिर 1 और 2 सिंगल सिंगल में और फिर 3rd में 2 बार। ऐसे ही बनाते हुए मैं राउंड कंप्लीट करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं वर्क के एंड में आ गई हूँ और अब मैं इसे देखिए, ये मैंने 2 बनाए, फिर सिंगल सिंगल और अब यहाँ 2 हैं हमारे, तो अब मैं इसे सिंगल स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दूंगी। देखिए, नेक्स्ट राउंड के लिए मैंने 4 चेन बनाई है, लूप लिया है, इसे स्किप करेंगे और एक अगले वाले में 1 बार डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद 1 चेन लूप लिया, 1 स्किप किया, 2nd में जाएंगे और 1 बार डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, 1 स्किप किया, नेक्स्ट में जाएंगे, 1 बार डबल क्रोशिया। ऐसे ही करते हुए मैं राउंड कंप्लीट करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अगर आपका इसे उठ रहा है, उठे तो इसे थोड़ा सा स्ट्रेच कर दीजिए इस तरीके से, तो ये नहीं उठेगा और ये अच्छा लगेगा क्योंकि अभी हमने 3 राउंड्स ऐसे ही करने हैं, तो थोड़ा थोड़ा उठेगा ये। ये देखिए, अब नेक्स्ट देखिए हम बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज डालेंगे। ये देखिए, अब हम इस होल में आ जाएंगे। इस होल में आने के बाद 1, 2, 1 हमने सिंगल क्रोशिया किया, 1 चेन और 2 चेन, फिर 1 3, 3 और 1 4, 4 चेन बनाएंगे, टोटल हमारे पास 5 चेन हो गई। लूप लिया, इस वाले में जाएंगे, नेक्स्ट होल में 1 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 1 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 1 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 बार डबल क्रोशिया। ऐसे करते हुए मैं राउंड कंप्लीट करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाई है और इसे हम 3rd चेन के साथ ज्वाइंट करेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा स्ट्रेचफुल रहता है ये, देखिए इसे भी हम थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करेंगे ताकि ये अच्छे से खुल जाए और हमारा डिजाइन जो है यहाँ पर प्रॉपर बने। ये देखिए, ठीक है, अब नेक्स्ट बनाएंगे हम। नेक्स्ट में भी थोड़ा सा चेंज है, देखिए, क्योंकि हमने 3 बार बनाने हैं, लूप के अंदर गए इस तरीके से, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 चेन लेनी है, लूप लेना है और इसमें जाएंगे नेक्स्ट होल में 1 बार डबल क्रोशिया, फिर 1, 2, 3, 1 बार डबल क्रोशिया,
फिर 1 2 3, फिर एक बार डबल क्रोशिया। ऐसा ही करते हुए मैं ये राउंड को कंप्लीट करूंगी। 1 2 3, एक बार डबल क्रोशिया। ये मैं हॉल में ही कर रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने ये 3 स्क्वायर वाले राउंड बनाने थे, 1 2 3। इसके बाद हम इसमें ऑरेंज कलर को ऐड करेंगे, क्योंकि ये मैंने पीच लिया है तो वो मैं डार्क ऑरेंज ले रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं एज यूजुअल। तो चलिए मैं ये बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने वर्क को कंप्लीट कर लिया है और अब हमारा वर्क कुछ इस तरीके से है। ये देखिए, अब हमारे वर्क में बिल्कुल भी झोल नहीं है क्योंकि हमने ऊपर 3 चेन दी हैं। बहुत ही इजीली ये हमारा राउंड जो है वो बन रहा है। तो चलिए अब इसमें हम ऑरेंज कलर के थ्रेड को ऐड करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्रोशिया हुक में ऑरेंज कलर का थ्रेड ले लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, आप कहीं भी इसे ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं ऐड नहीं कर सकते। ये देखिए, थर्ड वाले में किसी भी डबल क्रोशिया में ऐड कर लीजिए। यहां देखिए, एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, दो चेन लूप लिया। यहां पर देखिए, एक बार, सिर्फ एक बार निकालेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बन गया। फिर एक बार, टोटल हमारे पास 3 बार हो गए हैं, इन्हें एक साथ निकाल देंगे। क्रोशिया के अंदर लूप है, लूप लिया। अब देखिए, जहां हमने इसे एडजस्ट किया है थ्रेड को थर्ड के फर्स्ट वाले में, एग्जैक्टली उसके नीचे ये वाला लूप लेंगे और यहां पर गए। इसे हम इसी तरीके से पकड़ेंगे कि ये आमने सामने आ जाए। ये देखिए, एक बार, फिर एक बार थ्रेड को निकालेंगे, फिर ये थर्ड टाइम, टोटल 3 बार हमने निकालना है और इन्हें एक बार निकाल देंगे। अब हमारे क्रोशिया लूप के अंदर 2 रह गए हैं, इसे एक साथ बनाया हमने, एक लूप किया। अब देखिए, इन दोनों में बना दिया, इसे हम छोड़ेंगे। अगले वाला बिल्कुल सेकंड लाइन में एक छोड़ के अगले वाले में ऐसे डालेंगे और एक बार ऐसे स्लिप स्टिच, ठीक है। अब देखिए, अब बिल्कुल जहां हमने स्लिप स्टिच बनाया है थर्ड लाइन में, उसके ऊपर वाला यानी कि एक छोड़ा बीच में, अगले वाले में जाएंगे, क्रोशिया हुक को डालेंगे इस तरीके से और लूप को हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहां पर फिर हम 1 और 2 चेन लेंगे, लूप लेंगे और ये देखिए, एक बार, ये देखिए, फिर यहां पर ये 2 बार, 3 हो गए हमारे पास, सॉरी। इन तीनों को एक साथ निकालेंगे और फिर लूप लिया और ये देखिए, इस तरफ एक स्किप करेंगे और दूसरे में डाल देंगे। अब यहाँ से 1 बार 2 बार और 3 बार, 3 बार निकालेंगे और फिर इन दोनों को एक बार और फिर पीछे से देखिए, एक स्किप करेंगे और दूसरे वाले में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से, और फिर एक स्किप करेंगे और इसमें बनाएंगे, आगे से डालेंगे इस तरीके से, स्लिप स्टिच से उठा लेंगे इसे थ्रेड को, फिर 1 और 2, उसके बाद यहाँ पर 2 बार हम इस तरीके से लूप को लेंगे। ये देखिए, 1 बार निकाल दिया हमने और एक क्रोशिया हुक में रह जाएगा लूप, फिर 2 बार निकाल दिया और अब तीनों को एक साथ निकालेंगे और फिर देखिए, नीचे वाले में से एक स्किप करके दूसरे को उठाएंगे। यहाँ पर भी हम 3 बार वैसे ही पिक करेंगे जो हमारे क्रोशिया हुक में 3 लूप रह जाएं। तीनों को एक साथ निकाला, 2 रह जाएंगे, दोनों को एक साथ निकाला, उसके बाद एक छोड़ेंगे नेक्स्ट में जा कर के स्लिप स्टिच। अब इसी तरीके से करते हुए मैं ये राउंड को बनाऊंगी। तो मैं ये राउंड बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ये वर्क कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये देखिए, इसमें हमारा 1 बार जो है डबल क्रोशिया कम है। देखिए, हम ये स्किप करेंगे तो यहाँ बनाना है, इसके बाद हमें एक और स्किप करना होगा, बट नहीं है तो हम उसे स्किप कर सकते हैं, हम इसी में ही बनाएंगे। ये देखिए, डबल क्रोशिया में से निकाला, फिर यहाँ पर 2 चेन, 1 2 लूप लिया। यहाँ हम थ्रेड को एडजस्ट भी कर देंगे,
जो हमारा थ्रेड रह गया था, एक दो हो गए टोटल हमारे पास। ये देखिए तीन आ गए हमारे डबल क्रोशिया में, और इनको इकट्ठे से निकाल देंगे, लूप लेंगे बिल्कुल इसके नीचे वाले में। ये देखिए यहाँ डालेंगे एक बार, दो बार, तीन बार, देन तीनों को निकाला, दो रह गए, दो में से एक को निकाला। और अब देखिए ये छोड़ेंगे, यहाँ पर हम इसे स्किप कर देंगे। ये देखिए ठीक है, यहाँ हम ऑरेंज थ्रेड को कट कर देंगे और पीच कलर से वर्क बनाएंगे आगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा वर्क कुछ इस तरीके से है। अब हम इसमें पीच कलर से ही आगे करेंगे। ये देखिए एक दो तीन, तीन चेन लूप लिया, इसी लूप के अंदर एक बार। अब देखिए एक बार लूप में बनाया, एक बार यहाँ बनाएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर लूप लिया। अब इस हॉल में हम दो बार बनाएंगे, एक और एक दो, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर लूप लिया इस हॉल के अंदर दो बार, और फिर डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। देखिए होल में दो बार बनाने हैं और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करना है, तो ऐसा ही करते हुए मैं राउंड कंप्लीट करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। और अब देखिए किसी भी टाइप का कोई भी क्या बोलते हैं उसे, झोल नहीं है। और ये देखिए हमारी डिज़ाइन बिल्कुल अच्छी लग रही है। थर्ड चेन के साथ इसे ज्वाइंट कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट राउंड है, उसके लिए वन टू थ्री चेन लेंगे। ठीक है, लूप लिया, नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया, फोर्थ में एक बार, फिफ्थ में एक बार। ये देखिए पांच हमने डबल क्रोशिया ले लिया, उसके बाद वन टू थ्री, थ्री चेन लूप लिया, एक छोड़ेंगे अगले में गए। ये देखिए एक दो तीन चार पांच, पांच बार डबल क्रोशिया किया सिंगल सिंगल, फिर वन टू थ्री लूप लिया, एक छोड़ा अगले में एक बार डबल क्रोशिया। ऐसे ही फाइव चेन, फाइव डबल क्रोशिया, थ्री चेन, फाइव डबल क्रोशिया करते हुए हम ये राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं वर्क के एंड में आ रही हूँ और मेरे पास एक चेन जो है वो एक्स्ट्रा बच रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर भी एक बार डबल क्रोशिया कर दूंगी और यहाँ पर थर्ड में इसे ज्वाइंट कर दूंगी। ठीक है, और अब हम यहाँ पर ऑरेंज कलर को ऐड करेंगे दोबारा से। ये देखिए पीच को कट नहीं कर रही हूँ। ये देखिए हॉल में गई और यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशिया किया और थ्रेड को हम एडजस्ट करते चलेंगे। देखिए वन और टू, दो चेन टोटल तीन हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर से वही एक बार निकाला, फिर से देखिए लूप को एक बार निकाला, तीन हो गई, तीन को एक साथ, फिर वन टू थ्री, थ्री चेन लूप लिया इसी होल में एक बार, ऐसे एक दो बार, फिर ये तीन, तीन बार हो गया, तीन को निकालेंगे, चारों को एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से, फिर वन टू थ्री, थ्री फोर, चार हम एक चेन लेंगे, लूप लेंगे, फिर होल के अंदर ये देखिए एक बार, दो बार, फिर ये देखिए तीन बार निकाल देंगे एक साथ, फिर वन टू थ्री, फिर लूप लिया, फिर यहाँ पर ऐसे एक दो, फिर ये देखिए तीन बार इनको एक साथ निकाला, एक चेन, दो चेन, तीन चेन, चार चेन। ऐसे ही करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट करूंगी। तो मैं ये राउंड बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। यहाँ हमने दो क्रोशिया एक्स्ट्रा बनाए थे डबल क्रोशियास, तो अभी हमने यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए थ्रेड को पीछे की तरफ करेंगे। यहाँ हमने चार चार चेन बनाई थी, तो हम यहाँ पर पांच चेन बनाएंगे, एक एक्स्ट्रा ले लेंगे और यहाँ थर्ड के साथ इसे ज्वाइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। थ्रेड को कट करेंगे हम ऑरेंज वाले थ्रेड को, और
स्पीच थ्रेड से वर्क स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ऑरेंज थ्रेड को मैंने कट कर दिया, मैं साथ साथ एडजस्ट करती जाऊंगी। और इस थ्रेड को, ये देखिए पीच वाले थ्रेड को हम पुल करेंगे और यहाँ होल में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर 1 2 दो चेन लूप लिया, देखिए 2 बार डबल क्रोशिया हो गई, फिर हमारा 3 बार, फिर ये 4 बार, 4 बार डबल क्रोशिया, 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन लूप लिया, इसी लूप के अंदर 4 बार फिर से डबल क्रोशिया, 1 2 3 और 1 4, 4 बार डबल क्रोशिया, देखिए 4 बार डबल क्रोशिया, 3 चेन 4 बार डबल क्रोशिया। उसके बाद देखिए ऑरेंज वाला वर्क किया था, उसके बीच में हमने यहाँ पर 3 चेन बनाई थी, यहाँ जाएंगे 1 बार सिंगल क्रोशिया, लूप लिया, नेक्स्ट में गए होल में, यहाँ पर 1 2 3 4, 4 टाइम डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3, 3 चेन, फिर इसी लूप के अंदर 1 2 3 और 1 4 बार डबल क्रोशिया। फिर से यहाँ आएंगे ऑरेंज वाले वर्क के ऊपर, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे, लूप लेंगे और नेक्स्ट में फिर से यही प्रोसीजर रिपीट करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं वर्क के एंड में आ गई हूँ और अब हम पीच कलर को भी यहाँ 3rd चेन से, ये देखिए स्लिप से इसे ज्वाइन करेंगे और थ्रेड को कट करके यहीं पर ही मैं ग्रीन कलर के थ्रेड को ऐड करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ग्रीन कलर के थ्रेड को देखिए कहाँ एडजस्ट किया है, यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाने से पहले 4th वाले में एडजस्ट किया है। लूप लेंगे, इस होल में डालेंगे 1 2 3, 3 बार निकाल लेंगे इस तरीके से, फिर एक चेन ऊपर। और अब देखिए हमने वर्क किस जगह करना है, जैसे कि हम देखते हैं, ये देखिए ये वी बने होते हैं हमारे यहाँ, तो 1st वाले में नहीं 2nd वाले में जाकर के देखिए 1 बार सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ 2nd में 1 बार सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पीछे वाली चेन को थ्रेड को पिक करेंगे 1 बार सिंगल क्रोशिया, फिर यहीं पर 1 बार सिंगल क्रोशिया। टोटल देखिए हमारे 4 बार सिंगल क्रोशिया हो गया, 4 के ऊपर हॉल में आएंगे 1 बार सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन, फिर से यहाँ पर 1 बार सिंगल क्रोशिया, ये देखिए इस तरीके से बन जाएगा ये, फिर पीछे वाले से पिक करेंगे, ये देखिए 1 बार सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 बार सिंगल क्रोशिया, पीछे की तरफ से सिंगल क्रोशिया, 4 आएंगे हमारे क्योंकि हमने 4 बार डबल क्रोशिया किया है, ये देखिए 1 बार यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर हमारा ये होल आ गया है, लूप लेंगे इस होल के अंदर 1 बार 2 बार और 3 बार, 3ों बार निकाल देंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 बार पीछे की तरफ से सिंगल क्रोशिया, फिर से ये देखिए 3 और 1 4, और फिर इसके अंदर आएंगे, फिर 1 2 3 और 1 बार फिर से यहाँ सिंगल क्रोशिया, ये देखिए ऐसे करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट करूंगी। और थोड़ी और डिटेलिंग देंगे हम, देखिए ये राउंड तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हम थोड़ी सी डिटेलिंग और देंगे, ये देखिए इसके अंदर, तो फिर मैं आपको इसका फिनिश लुक दिखाऊंगी। मैंने नॉट ले लिया है, ये देखिए यहाँ पर देखिए जहाँ हमने ऑरेंज वाला वर्क बनाया है उसके बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे वाले डबल क्रोशियाज में ऐसे पीछे से क्रोशिया निकालेंगे। देखिए यहाँ मैंने स्लिप स्टिच करके नॉट बना लिया है, देखिए उसके बाद यहाँ से पीछे से पिक किया, ये देखिए ये उठाया हमने और यहाँ पर एक ऐसे करके और फिर एक स्लिप स्टिच, ठीक है। नेक्स्ट में गए पिक किया, एक स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट में गए पिक किया,
तो फिर एक बार फिर से यहाँ स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट में गए पीछे से पिक किया और एक बार ये स्लिप स्टिच। ऐसे करने से हमारी ड्रेस में थोड़ी डिटेलिंग हो जाएगी और अच्छी लगेगी ये डिटेलिंग। और यहाँ से एक बार स्लिप स्टिच, तो ऐसा ही करते हुए पूरे राउंड पे बनाऊंगी और ये वाले राउंड भी मैं ग्रीन से कंप्लीट करूंगी। तो मैं अपनी ड्रेस का फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, हमारी ड्रेस जो है वो बन करके रेडी है और देखिए कितनी ब्यूटी लग रही है। आप इसे किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं और आई होप कि आपको ये ड्रेस पसंद आई होगी और आप जरूर अपने ठाकुर जी के लिए इसे बनाएंगे। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए ठाकुर जी की प्यारी ड्रेसेस बनाने के लिए। ये मैंने 5 नंबर के लिए बनाई है। अगर आप इसे 6, 7, 8 किसी भी डिजाइन में बनाना चाहते हैं तो जो हमने ये 2 राउंड बनाए थे इसे आप इंक्रीज कर सकते हैं, बाकी डिजाइन को आप ऐसे ही चलने दे सकते हैं। अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो उसका मैं आपको बना करके वीडियो अपलोड कर दूंगी। हम 1, 2, 3 नंबर की ड्रेस जो है वो छोटे में बना लेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारी सी ड्रेस के साथ। और प्लीज फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करने के साथ 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 ही में जो बेल आइकन है रेड कलर से, उसे भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। जय श्री कृष्णा।